अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं गोल्ड ब्लॉक में खड़ा हुआ हूं और गोल्ड ब्लॉक में ये सामने मेरे सैलानी वाले मस्जिद बना रहे हैं अपनी। ये अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये सामने वाला, आप ये देख सकते हैं, गेट भी लगा दिया इन्होंने और ये पूरी मस्जिद बन रही है। आधा पार्क काट के इन्होंने मस्जिद बनाई है और पीछे इसके बिहाइंड जो है वो पार्क है। काफ़ी बड़ी जगह थी तो आधी मस्जिद जो है वो GFS ने सैलानी वालों को दे दी और वो यहाँ पर जो है वो अपना मस्जिद बना रहे हैं और काफ़ी बड़ी मस्जिद बन रही है व्यूवर्स ये, और बहुत अच्छा काम भी हो रहा है इसका। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि मेयरी काम करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त जो भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। तो कहने का मकसद है व्यूवर्स, यहाँ पर वीडियो बनाने का भी मकसद है कि यहाँ पर मेरी कंस्ट्रक्शन थी 1109 और ये आप देख सकते हैं इस वक्त 1109 का मैं काम करवा रहा हूँ। आप अगर देखेंगे इसका एलिवेशन तो आज आपको नज़र आएगा इसका एलिवेशन माशाल्लाह से। ये 1109 मेरी इस वक्त कंस्ट्रक्शन थी जो मेरा 8वां प्रोजेक्ट था और इसके अंदर अभी फिनिशिंग की तरफ हम लोग आ रहे हैं। प्लस्तर इसका कम्प्लीट हो चुका है व्यूवर्स, जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो 1109 की आई थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका प्लस्तर कंप्लीट करवा रहा हूं मैं, और अब इसका प्लस्तर कंप्लीट हो चुका है और आप ये देख सकते हैं इस वक्त इसका एलिवेशन। ये देखें आप, तो व्यूअर्स ये मालिक ने हमें जो है ये 4 पर गोले जो थे ये हमें नहीं दिए थे, ये मैंने खुद अपने ओन से उतारे हैं और यूँ समझ लेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्क किया है मैंने। और साथ में ये लंटर आप देख रहे हैं, खूबसूरत सा एलिवेशन मैंने बनाने की कोशिश करी है। ये जो डिज़ाइन है ये भी मैंने सिंपल एलिवेशन बनाया है। बैतुल कुदसिया जो है ये तख्ती इन्होंने हमें दी थी, वो हमने लगा दी है इनकी, शायद जो भी है वट एवर इन्होंने कहा था कि बैतुल कुदसिया लगाइएगा, हमने वो लगा दिया। तो अंदर जो है इसका मार्बल लग रहा है और मैं इंशाल्लाह मार्बल आपको कवर करके दिखाऊंगा। अभी थोड़ा घर फैला हुआ है, छत जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट फ्लोर भी कंप्लीट हो चुका है, अब ग्राउंड फ्लोर पे मार्बल लग रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे मार्बल लगता है, जो भी फिनिशिंग आती है, फिर मैं आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा। जब हमारे किचन बाथरूम की तरफ हम जब टाइलें लगाएंगे उस वक्त कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि ये आप देख रहे हैं काले काले पाइप निकले हुए इस वक्त, और ये GFS बिल्डर एंड डेवलपर जो है वो अपनी डेवलपमेंट कर रहा है। और इस गोल्ड ब्लॉक के अंदर पानी की लाइनें पहले बिछी हुई थी, ऐसा नहीं था कि नहीं बिछी हुई थी, पानी की लाइनें बिछी हुई थी, लेकिन जो नए लोग आए इंजीनियर्स उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं हर घर के अंदर आगे जो है वो इन्होंने दो दो पाइप निकाले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं पूरी लाइन में इस वक्त दो दो कनेक्शन दिए हुए हैं और इसमें बिल्डर जो है वो पानी छोड़ेगा गाय बगाए। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से, ये देखें आप इस तरीके से उन्होंने जो है वो कनेक्शन लगाए, पूरी पानी की नई लाइनें लगी हैं इसमें, सीवरेज जो है वो ऑलरेडी पहले से लगी हुई थी, ये आप देख सकते हैं। ये सारा PPRO का काम इस वक्त बिल्डर ने किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तेज़ी से जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, आगे पीछे दाजू बाजू हर तरफ इस वक्त जो है वो प्लॉट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और बहुत अच्छा ब्लॉक है व्यूअर्स, यहाँ पर जो है इस वक्त जो है वो बहुत अच्छी वैल्यू भी है, बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है ये। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोग भी रह रहे हैं, फैमिलियाँ रह रही हैं बाकायदा। ये हमारे जमाल साहब का घर है और इसी तरह पीछे फैजान भाई का घर है। सामने अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बिल्कुल ही सामने तायराबाजी हमारी होती हैं, उनका भी प्लॉट है। तो जैसा कि व्यूअर्स मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ अपनी वीडियो के अंदर हर चीज़ एक्सपोज कर करके, ताकि जिनके यहाँ पर प्लॉट्स हैं उनको अवेयरनेस हो, उनको मोटिवेशन हो और वो भी अपने घर को बनाएं और आने वाले इन्फ्लेशन से बचें। इस वक्त महंगाई कॉस्टिंग बहुत ऊपर चली गई है, दोबारा से सरिया जो है वो 280-290 की बातें कर रहा है, पेट्रोल बढ़ गया है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। तो जिन्होंने अभी तक काम शुरू नहीं करवाया अपने घर का, वो अपने घर का काम शुरू करवाएँ ताकि आने वाले इन्फ्लेशन से, महंगाई से जो है वो बचें। बहुत अच्छी लैंड है, यहाँ पर सेम नहीं है इस जगह के ऊपर, इस पूरे ब्लॉक के अंदर सेम नहीं है। 33 एकड़ जो है ये बहुत ज़बरदस्त ब्लॉक है और यहाँ पर जो है 80 गज़ 120 गज़ के प्लॉट्स हैं। मस्जिद जो है वो यहाँ पर बन रही हैं, दो दो मस्जिदें बन रही हैं, पार्क यहाँ पर दो दो पार्क हैं, तीन तीन पार्क हैं यहीं पर इसी ब्लॉक के अंदर। जो है वो कपड़ा मार्केट है और जो है वो बहुत सारा कमर्शल है यहाँ पर। तो मैंने कहा मैं चले आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर, इस वक्त काफ़ी टाइम हो गया था इस ब्लॉक की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। यहाँ पे फ्रंट के ऊपर 50 फीट के ऊपर 2 मकान इस वक्त मेरे पास फॉर सेल के लिए भी आए हुए हैं, जो साहब लेना चाहें वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, रेडी फॉर लिविंग है, फैमिलियाँ उसमें रह रही हैं और वो बेचना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छी लोकेशन है ये, 50 फीट का रोड है, इसके पीछे जो है वो गोल्ड एक्सटेंशन है। इंशाल्लाह ताला मेरा भी दिल करता है मैं आपको दिखाऊं कि अंदर से इस वक्त इसकी क्या पोजीशन है। पूरा प्लस्तर इसका मैंने फुल एंड फाइनल कर दिया है, जो भी यहाँ पर आता है उस प्लॉट को देखकर, कंस्ट्रक्शन को देखकर, काम के मेयार को देखकर वो तजिया कर सकता है कि अफान भाई किस तरह का काम कर रहा है, किस तरह का मेयार पैदा कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग ये छोटा सा अच्छा लगा होगा।
मैं मोहम्मद अफान शेख आपसे ज़्यादा चाहता हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।